हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्षद भोजराज सिन्हा द्वारा मितानिन दिवस पर मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन नेहरू भवन सुपेला में किया गया। इस अवसर पर वार्ड 16, 17 एवं 18 की मितानिने उपस्थित हुई, जिनका सम्मान वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन द्वारा किया गया। सामाजिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही, शासकीय योजनाओं को प्रत्येक घरों में पहुँचाने का कार्य कर रही मितानिनों का सम्मान समारोह 23 नवम्बर को मितानिन दिवस के अवसर पर पार्षद भोजराज सिन्हा की पहल से नेहरू भवन सुपेला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन उपस्थित हुए। समारोह में स्पर्श हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक भी शामिल हुई और मितानिनों का चिकित्सकीय परीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने मितानिनों को गमला और थर्मस देकर उनका सम्मान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक विद्यारतन भसीन और पार्षद भोजराज सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज 23 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में विगत 21 सालों से मितानिन दिवस मनाया जाता है, उसी तात्पर्य में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू भवन में वार्ड नंबर 16, 17 एवं 18 की सभी मितानिन बहनों का सम्मान और इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका के कार्यकर्ता एवं MT जो निरंतर मितानिनों के साथ में और एरिया कोऑर्डिनेटर जो होती हैं उनके साथ में आज एक कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने सम्मान कर रखा है। स्पर्श हॉस्पिटल के अथक सहयोग से और माननीय विधायक विद्यारतन भसीन जी के आशीर्वाद से आज यह कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। स्पर्श हॉस्पिटल की डॉक्टर दीपा मैडम और उनकी टीम आई हुई है हमारी मितानिन बहनों को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल स्पर्श का है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो आयुष्मान कार्ड के तहत में इलाज कराते हैं, तो निश्चित हमारी जितनी भी दारिण बहनें उनके संज्ञान में रहे इस चीज़ का, और कोई भी ऐसी बात रहे तो हमारे स्पर्श हॉस्पिटल निरंतर, क्योंकि कोरोना काल में और डेंगू के समय में मुझे अच्छे से याद है कि मेरे यहाँ के 200 बच्चे जब मुझे किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली तो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेरे यहाँ के 200 बच्चों का इलाज स्पर्श ने किया था। इसलिए आज के पावन दिवस पर मितानिन दिवस के कार्यक्रम पर मैं उनको उन सभी को आशीर्वाद लेकर के यहाँ बुलाया हूँ और एक इच्छा रखता हूँ कि हमारे जितने भी मितानिन बहनें हैं 16, 17, 18 की उनका मार्गदर्शन भी लेंगे और जितना भी उनका सहयोग होगा हमारे परिवार को मिलेगा, हमारे वार्ड नंबर 16, 17, 18 परिवार को मिलेगा। इसी भाव से और आज मितानिन दिवस के कार्यक्रम में आए सम्मान मितानिन समाज में काम कर रही है, निश्चित ही हुआ लेखनी हो मतलब कुछ हो, आज समाज में बड़ी जागृति इनके माध्यम से आई है, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अभी 2 वर्ष पहले जो कोरोना का डिजीज आई थी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और निरंतर लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और साथ ही साथ समाज में कैसे आगे बढ़ना है विशेषकर महिलाओं के लिए ये कार्यरत है, इनके लिए किए कामों के लिए मैं इसको साधुवाद देता हूँ। मितानिन जो शब्द है मितान एक शब्द होता है, मितानिन मतलब मित्र, ये समाज की मित्र है, उनका सम्मान है। सम्मान के लिए हमारे वार्ड नंबर 16, 17 के पास भोजराज जी ने एक आयोजन किया है और इनके साथ में जो लोग हैं स्पर्श की टीम उनको भी मैं साधुवाद दूंगा कि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिससे एक नया मैसेज जाएगा लोगों को जिससे सम्मान होते रहते हैं और ऐसे सामूहिक रूप से इसके लिए जैसे कि ये भी पक्ष बधाई के पात्र है और ये मितानिन बहनें भी हम इनके प्रति जो सम्मान प्रकट कर रहे हैं निश्चित ही इनकी सेवा के आगे वो कुछ भी नहीं है, आपकी सेवा ऐसी बरकरार है ये उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि मितानिन की मेहनत से गरीब व मध्यम तबके की महिलाओं तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। मितानिनें सभी कार्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। अपने कार्यों के लिए सजग मितानिनें समाज के लिए मिसाल हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।